फेस्टिवल पर हम अपने घर को सजाने के लिए बाजार से बहुत महंगे महंगे आइटम खरीद कर लाते हैं, पर क्या आपको मालूम है इन सब आइटम्स को थोड़े से एफर्ट से हम घर पर लगभग फ्री में बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने कुछ वेस्ट सामान का रीयूज किया है और अपने घर को सजाया है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना। तो पहला आइडिया है, ये आइसक्रीम का बॉक्स खाली है और मैंने इसके अंदर ऊन भर रखी है, तो इन ऊन का मैं यूज करने वाली हूँ। साथ में मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है, बॉक्स है छोटा सा, आप कार्डबोर्ड का एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस ले सकते हैं और उसके ऊपर इस तरह से ऊन को रैप कर सकते हैं। ऊन अपने कलर चॉइस अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैंने रेड ग्रीन और येलो का यूज किया है। ये लगभग मैंने 30 times रोल किया है इसको और इसको इस तरह से बांध देंगे। आप में से कई लोगों को ये बनाना आता होगा, ये बनाए हैं मैंने टसल्स और लटकन भी बोल सकते हो आप ऊन की, और इसे इस तरह से बनाते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। ये थोड़े मैंने लंबे लंबे बनाए हैं, आप छोटे अपने हिसाब से बना सकते हैं, बट जो मैंने बनाने वाली हूँ उसके लिए लंबे लंबे ज्यादा अच्छे लगेंगे। अगर आपको बनाने आते हैं ना, मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को ये बनाने ऑलरेडी आते हैं। तो ये मैंने देखिए नीचे से कट करके बराबर कर दिया और इस तरह से मैंने बहुत सारे पहले से बना रखे हैं और ये मैंने बहुत कलरफुल बनाए हैं। आप अपने कलर चॉइस अपने हिसाब से रख सकते हैं। इनको थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़े मोटे वाले जो मोती आते हैं वो यूज़ किए हैं और इसके अंदर मैंने हर एक टसल्स में एक मोती डाल दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग 2-3 भी डाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्यों बनाए हैं। मैं इसमें उससे रिलेटेड 2 आइडियाज आपको दूंगी। पहला, ये फ्रूट की बास्केट जो आती है, वेस्ट पड़ी थी तो मैंने इसका रीयूज करने वाली हूँ। इसको पहले थोड़ा सा कलरफुल बनाएंगे क्योंकि बिल्कुल सी सिंपल है। और ये जो एग ट्रे थी मेरी यूज नहीं हो रही थी तो मैंने इसको कलर वाली कलर करने के लिए यूज कर लेती हूँ। इस तरह से इसमें कलर निकाल लेते हैं। मेरे पास ये छोटा सा ब्रश है, आप बड़ा ब्रश ले सकते हैं या फिर कपड़े या कॉटन से भी आप इसको कलर कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा। मैंने पिंक कलर यूज किया है, आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हैं। ये नीचे की तरफ इतना कलर करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे टसल्स जो बनाए थे। बहुत ही आसान है इन्हें बनाना और इन्हें आप इसमें अटका कर इस तरह से बांध सकते हैं। जब तक मैं बना रही हूँ तो आपको बता दूँ कि इससे रिलेटेड मीन्स फेस्टिवल से रिलेटेड DIY की मैंने एक वीडियो पहले भी आपके साथ शेयर की थी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया उसको, आप उसको एक बार वॉच कर सकते हैं। तो इतने बातों में हमारी ये रेडी हो गया है और देखिए इस तरह से लुक आ रहा है। अब इसको हैंग करने के लिए थोड़ा सा जुगाड़ करते हैं। इसके लिए रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ था तो इसको यूज़ किया है, या आप इस तरह से ऊन जो टसल्स बनाए हैं वो ऊन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस तरह से रस्सी को इसमें बांध दिया है, छोटी सी रस्सी यूज़ की है। और थोड़ा सा और डेकोरेटिव बनाने के लिए मैंने लेस लगाई है, ये पड़ी हुई थी तो आप भी और तरह की भी लेस लगा सकते हैं। ये इसको मैंने वैसे तो सुई धागे से अटैच किया है, आप फेविकॉल से भी अटैच कर सकते हैं इसको। वैसे तो ये DIY रेडी है बट ये फेस्टिवल ऑफ लाइट है तो लाइट तो बनती है, तो इस तरह की मैंने लाइट ले रखी है, ये चार्जेबल लाइट होती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। ये मैग्नेट होती है और ये आयरन की एक स्ट्रिप टाइप की है और इसको हमने इस पर डबल टेप ऑलरेडी आई है और इससे कहीं पर भी इसको चिपका देंगे और उसके बाद आप लाइट पे मैग्नेट है वो इससे चिपक जाएगी आराम से। और इसको चार्ज करने के लिए इसको निकाल के आप चार्ज भी कर सकते हैं या आप बल्ब भी हैंग कर सकते हैं। और अगर आपका वहां पर जहां लगा रहे हैं इसको वहां पर अगर सॉकेट वगैरह है तो। इस तरह से मैंने इसको हैंग कर दिया है और आप लगा दी है लाइट, देखते हैं इसका लुक कैसा आता है। बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से बना दिया है, आप भी एक बार ट्राई जरूर करें। नेक्स्ट आइडिया नंबर 2, इसके लिए सबसे पहले तो अपने दरवाजे को नाप ले, जिस दरवाजे के लिए आपको तोरण बनानी है तो उस नाप के अकॉर्डिंग मैंने एक लेस ले लिया। ये लेस ज्यादा चौड़ी नहीं है तो इसको चौड़ी बनाने के लिए मैंने इसी का सेम पीस एक तरह से बराबर नीचे की तरफ मैंने सिल दिया है और इस तरह से ना बहुत अच्छी सी चौड़ी सी एक लेस सी बन गई है। और इसको मैंने किसी कपड़े पे नहीं सिला, ये काफी थोड़ी अकड़ी हुई है। और इसमें मैंने और टसल्स बनाए थे, उनको भी यूज करने वाली हूँ। देखा, टसल से दूसरा आइडिया दे रही हूँ। और इस तरह से मैंने इसको अटैच करना है, पर इस तरह से पर मैं पहले इसमें मोती डाल लूंगी जिससे थोड़ा सा लुक अच्छा आएगा। वैसे तो बड़ी सुई में ऊन डालकर हम मोती आराम से डाल सकते हैं, पर मेरे पास नहीं थी तो मैंने छोटी सुई को इस तरह से धागा डाल के अटका के
ऊन वापस निकाल ली है, जिससे मोती वापस उसके अंदर चला जाता है। तो इस तरह से भी आप आइडिया ले सकते हैं। बाकी आप बड़ी सुई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैंने इस तरह से आइडिया लगाया, और अगर आपके पास भी नहीं है तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। और ये मैंने सारे टसल्स इस तरह से बांध दिया और ये बढ़िया सा तोरण बहुत ही आसानी से बनने वाला बन गया है। ये मैंने अंदर के दरवाजों के लिए बनाया है, और मेन डोर के लिए मैं अलग से आपके लिए बहुत ही प्यारी तोरण बना के दिखाने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये मैंने अभी सिर्फ आपको हैंग करके दिखाई है, मेन दरवाजे पर नहीं लगाई है। इसको मैं दिवाली के टाइम पर ही लगाऊंगी। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए इस तरह से मैंने लटका दी है। नेक्स्ट आते हैं आइडिया नंबर 3 पे। इसमें मैंने यूज की है पुरानी बेकार बैंगल्स, जिनका सेट खराब हो जाता है और वेस्ट पड़ी होती है, तो उन बैंगल्स को मैंने ले लिया और उसके साथ लिए इस तरह से छोटी छोटी रबड़ ली है। ये बहुत ही आराम से मिल जाती है और 1 रुपए की 1 आती है, बहुत ही सस्ती भी है। इनको चूड़ियों पर इस तरह से चढ़ा देंगे। एक ही सिंगल चूड़ी ली है मैंने और इस तरह से मैंने इसको चढ़ा दिया है। ये बहुत आराम से नहीं चढ़ रहा था क्योंकि ये कॉटन का नहीं था, थोड़ा सा सिल्कीन सा था तो वो उतर रहा था। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। और मैं एक और आइडिया आपको बताती हूँ कि इसको अटैच कैसे रखा जा सकता है। फिलहाल मैंने ये इस तरह से चढ़ गया है और मैंने चढ़ा दिए हैं ऐसे सारी चूड़ियों पर। वैसे तो 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, चढ़ेगी उतरेगी, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आराम से चढ़ जाएंगी। अगर फिर भी ना चढ़े तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, फिर ये आराम से डेफिनेटली आपसे चढ़ जाएंगी। मैं जो भी आइडियाज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये नहीं कि इसी फेस्टिवल तक सीमित रहेंगे। आप उनको उतार कर पैक करके वापस से रख सकते हैं और नेक्स्ट दिवाली पे या किसी और फेस्टिवल्स पे आप उनको वापस से लगा सकते हैं। और इसके बाद अगर चूड़ी से आपका उतरता है तो इस तरह से मैंने ना उससे सुई से सिक्योर कर दिया है और आप ये कहीं नहीं जाने वाली, तो अच्छे से इस पे चढ़ी रहेगी और मैं अगले साल तक भी इनको यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास ना रबड़ अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो आप इस तरह से ऊन को भी रैप कर सकते हैं चूड़ी पर। ये थोड़ा सा ना टाइम कंज्यूमिंग लगता है, बट ये भी बहुत ही आसान है। एक बार आप स्टार्ट कीजिए तो जल्दी जल्दी बनने लग जाते हैं। इस तरह से आप एंड पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट से बांध दीजिए और ये आपका DIY रेडी है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेटिव और सुंदर बनाने के लिए इन सब बैंगल्स को मैंने रैप किया है एक छोटी सी पतली सी लेस से। ये पतली सी लेस बहुत ही सस्ती आती है, 1 रुपए मीटर आती है। आपके यहाँ का रेट मुझे नहीं पता, पर मेरे यहाँ तो 1 रुपए मीटर ही आती है और मैं 20-25 मीटर ले आई हूँ। इसको इस तरह से रैप करेंगे अब, मतलब चूड़ी के ऊपर। रैप करने के बाद ध्यान दीजिए, एक साइड का ना जो है वो जो सेंटर पॉइंट है वो थोड़ा सा टेढ़ा आता है और एक साइड का एकदम परफेक्ट आता है। तो जो पीछे जो टेढ़ा वाला आया है उसको इस तरह से खींच के अगर बांधेंगे तो वापस वो सेंटर पे आ जाएगा। और इसको बांध दीजिए। आप इसको बैक करके भी दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया हुआ हो तो। तो इस तरह से अभी सब बांध देंगे। और इस तरह से मैंने सारी बैंगल्स को रेडी कर लिया है। बहुत सारी बैंगल्स पे मैंने इस तरह से ऊन लपेटी है, कुछ बैंगल्स पर मैंने रबड़ लपेटी है। और इसके साथ मैं यूज़ करने वाली थोड़े से ये पॉम पॉम बोलते हैं ये वाले यूज़ किए हैं, और ये बेल भी, ये प्लास्टिक की बेल है और ये मैं लेकर आई थी। और इसके साथ थोड़े से इनको मैंने मिरर यूज़ किए हैं। और इस तरह से मैंने सभी को रेडी कर लिया है बीच में मिरर लगा के। मिरर मैंने फेविकॉल से चिपकाए हैं। तो सबसे पहले एक बैल को ऐसे अटैच करेंगे, उसमें थोड़े से मैंने मोती और पॉम्पम डाल के, वो आप अपने अकॉर्डिंग मोती और पॉम्पम की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और फिर इसको अटैच कर देंगे हम अपनी जो बैंगल रेडी की है उसके अंदर इस तरह से। तो अब मैं सारी बैंगल्स मैंने इस तरह से दो दो लटकन लटका के रेडी कर लिए हैं, बट ये फाइनल नहीं है। मैं आपको अब इनसे रिलेटेड 3 आइडियाज दूंगी। पहला आइडिया ये है कि आप इनको इस तरह से स्ट्रेट रखें और इनको बीच में पॉम पॉम एंड बीड्स लगाकर आराम से इनको अटैच कर सकते हैं। इस तरह से किसी भी डिजाइन से आप अटैच कर सकते हैं। नीचे बैल लगा दी है नीचे वाली लटकन में, और इस तरह से ना बहुत ही वॉल हैंगिंग, बढ़िया सा वॉल हैंगिंग रेडी है। और ये कम से कम 300-400 रुपए का देते हैं, और ये मैंने सिर्फ मुझे लगता है 20-30 रुपए में रेडी करके बना लिया है। और ये बहुत ही आराम से बन जाता है, बिल्कुल ही आसान और सस्ता जुगाड़ है और बहुत सुंदर लगता है। आप बना के एक बार ज़रूर देखिएगा। और एक बार मैं आपको हैंग करके दिखा देती हूँ। वैसे मैंने यहाँ के लिए नहीं बनाया, बट आपको हैंग करके दिखा रही हूँ जस्ट।
नेक्स्ट आते हैं आइडिया नंबर 4 पर। जो बैंगल हमने दो दो लटका लटका के रेडी किए हैं, उनके अंदर एक और ऐड चीज ऐड करनी है। इसने बेल ली है और उसी तरह से मैंने दो तीन पॉम पॉम के और लटकाए हैं, मतलब डाले हैं। इस तरह से एक लटकन बना ली है और मैं आपको बना के दिखाती हूँ किस तरह से। जैसा आपने वीडियो में देखा, इस बार मैंने इसको बीच में लगा लिया है और इस तरह से मैंने 5 का सेट बना लिया है। अब आप देख सकते हैं, आप इधर ऊपर से लेस लगा सकते हैं, कुछ रिंग जैसा लगा सकते हैं, पर वो कील पे टांगना पड़ता, तो मैंने उस कीलों को बचाने के लिए इस तरह से ये एडहेसिव यूज करती हूँ। और ये आराम से वॉल पर चिपक भी जाता है और आराम से हट भी जाता है और कीले लगाने का झंझट नहीं रहता। और इस तरह से आप, मैंने तो 5 बना के आपको दिखाए हैं, आप बहुत सारे बना सकते हैं, पूरी वॉल पर लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। और ये मार्केट में अगर आप सेट खरीदने जाओगे ना, पूरा 500 रुपए तक का पड़ेगा पूरा, अगर वॉल पे लगाओगे। बस थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं। ये दोनों जो वॉल हैंगिंग है मैंने लास्ट वीडियोस में आपको साथ शेयर किया, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया नंबर 6, ये भी इसी से रिलेटेड है और इसके लिए मैंने लेस ली है सेम पहले की तरह, और इसको भी चौड़ा बनाने के लिए मैंने अटैच कर दिया एक और लेस। अब जो लास्ट टाइम बताए थे मैंने जो वॉल हैंगिंग, उसी को उसी तरह से बनाना है और इसमें थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा और पॉम पॉम और बीड्स ऐड करके इस तरह से इसमें हम लेस में अटैच कर देंगे। और अब देखिए कितना प्यारा सा मेन गेट के लिए तोरण रेडी हो गया है। बहुत ही आसान था ना इसे बनाना, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और कब ट्राई करेंगे मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और देखिए ये कितना सुंदर लगने वाला है। ये भी मैं आपको बस ऐसे ही डोर पे हैंग करके दिखा रही हूँ, मेन डोर पे नहीं लगाया। नेक्स्ट आइडिया नंबर 7, ये खाली बॉटल पड़ी हुई थी तो कबाड़े में लगभग, तो मैंने इसको ले आई हूँ और इसके साथ मुझे कुछ करना है, इसका कुछ DIY मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसकी स्ट्रिप मैंने हटा दी है और इससे मिलता जुलता कलर बनाने के लिए इन कलर्स को यूज़ किया है। बस ये थोड़ी पुरानी ना लगे इस पे फिर थोड़ा सा पेंट किया है, उसके बाद टैप टैप करके इसको फाइनल लुक दे दिया है। और मैंने कलर अपने मन से बना लिया है कुछ भी ऐसा ही थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने बीच में थोड़ा सा वाइट कलर देके थोड़ी शेड टाइप की दी है और ये हो गया इसका फाइनल लुक। ये सूख गया है, ऊपर से मैंने वो हटाया नहीं है ताकि मैं इसको हैंग भी कर सकूं अगर मन करेगा तो। इसके बाद मैंने वाइट कलर लिया है और ईयरबड्स की हेल्प से इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स जैसे बना दिए हैं इस तरह से। उसके बाद देखिए इस तरह से इसका लुक आया है और इसके बीच में जो जगह खाली थी उसमें मैंने लगा दिया है येलो कलर की एक एक डॉट, और ये बहुत ही प्यारा सा फ्लावर पॉट टाइप का रेडी हो गया था। ये मेरी बॉटल रीयूज भी हो गई और घर को डेकोरेट करने के लिए ये फ्लावर पॉट का भी काम करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नए हैं पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा DIY या आइडिया आपको पसंद आया है सबसे ज्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, वो भी बना लेंगे थोड़ा सा इस तरह से इजी से डेकोर।